पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है साथियों? ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। ₹140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इतनी सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं।
साथियों, यहां अमेरिका में मुझे जितना प्यार, जितना स्नेह मिल रहा है, वाकई अद्भुत है। और इसका श्रेय यहां अमेरिका में आपकी मेहनत, आपके व्यवहार, अमेरिका के विकास में आपके योगदान को जाता है। मैं अमेरिका में रहने वाली मां भारती की हर संतान का अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का भी आभारी हूं। बीते 3 दिनों में लगातार हम साथ रहे, बहुत सारे विषयों पर हमारी खुलकर के बातचीत हुई, और मैं अनुभव से कहता हूं वे एक सुलझे हुए अनुभवी नेता है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।